हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं ऋतिक, मेरे साथ है दिव्यांशु। और फाइनली पंजाब किंग्स ने पिछली हार के बाद अपने घर पर आज लखनऊ सुपर जायंट्स को उनके ही घर में यानी लखनऊ में हरा दिया 2 विकेटों से। देखिए बल्लेबाजी तो आज भी स्ट्रगल करी, शिखर धवन भी नहीं थे और सैम करन कप्तान, आज उन्होंने स्टैंडिंग कैप्टन थे। लेकिन शाहरुख खान ने आखिरी में ये ठानी कि उन्होंने बोला कि चलो मैं हूं ना, और देखिए घर ले गए आज पंजाब किंग्स को जीत दिलाकर। और देखिए पंजाब की बैटिंग लाइनअप पे सिकंदर रजा एक स्टैंड आउट बैट्समैन थे जिनकी हाफ सेंचुरी आई और पहले जिम्बाब्वियन खिलाड़ी बने आईपीएल में 50 रजिस्टर करने वाले, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए एंड में आकर जो है हलक तक आ गई थी मुझे लगता है पंजाब की, क्योंकि अगर शाहरुख खान भी आउट हो जाते तो दिक्कतों में आ जाते। और यार ऋतिक, हम लास्ट में मैच देख रहे थे, इतने शॉट्स मारे थे, कभी कैच उठ रहा है, कभी वन टिप जा रहा है, टॉप एज लग के पीछे पीछे छक्का जा रहा है, लॉन्ग ऑन पर कैच एक दो बार छूट गए, मतलब कैच बहुत टफ थे, एफर्ट बहुत अच्छा था फील्डर्स का। बट शाहरुख खान की भाई किस्मत जो है वो आज बड़ी शानदार थी, क्योंकि लखनऊ को उसके घर में हराना, और आपके पास शिखर धवन नहीं थे, आपके पास भानुका राजपक्षे नहीं थे, आपका सिकंदर रजा को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज नहीं चला, उसके बावजूद अगर पंजाब किंग्स हरा रही है तो ये शाहरुख खान की बदौलत, जिस तरह से उन्होंने शॉट्स खेले और आखिर में आके जो कैमियो खेला है, क्योंकि पिछले साल पूरा फ्लॉप था जी। इतना बड़ा प्लेयर था क्योंकि बहुत सारे पैसे देकर खरीदा गया था, लग रहा था रे यार शाहरुख खान पे इतना पैसा खर्च क्यों किया गया, अब जाके वो दिखा रहे हैं। इससे पहले वाले मैच में भी शायद कैमियो खेला था, अच्छा खासा था। देखिए आज तो कैचेस बहुत पकड़े शाहरुख खान ने, देखिए आज कैचेस भी अच्छे पकड़े और बल्लेबाजी भी अच्छी करी और टीम को 230 के स्ट्राइक रेट से घर लेकर गए जीत दिलवाकर। और अब अगर आप देखें तो 10 गेंदों पर 23 रन, एक चौका, दो छक्के, 230 का स्ट्राइक रेट, गजब। और आप रजा की बात करें जिनकी आज मान लीजिए पंजाब किंग्स की बैटिंग लाइनअप में इन्होंने ही आज अर्धशतक पूरा किया, 41 गेंदों पे 57 रन, 4 चौके 3 छक्के, 139 का स्ट्राइक रेट जी। और अब देखिए लखनऊ सुपर जायंट्स, वैसे तो देखिए बहुत स्कोर है, थोड़ा कम रह गया मैं कहना चाहूंगा, और ऊपर से वो आप देखिए आप क्या कहेंगे कि केएल राहुल ने धीमी बल्लेबाजी करी या सारे अगले जो बैट्समैन थे उनके साथ ही आउट होते चले गए। यार मेरे ख्याल से देखिए केएल राहुल का तो खैर स्ट्राइक रेट का आज भी इशू रहा है, एंकर इनिंग खेलना चाह रहे थे, बट यार ये एंकर इनिंग नहीं होती जब आप इतने सेट हो, उसके बावजूद भी आप ठीक है, आपने 77 कुछ आई थिंक मारे हैं स्कोर आज का, आज 74 बनाया उन्होंने 56 गेंदों में, 8 चौके 1 छक्का 132। भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, और अपने ग्राउंड पर इतना कम स्कोर, 153 शायद बनाए लखनऊ ने, तो बहुत कम स्कोर था यार ये तो, मतलब डिफेंडेबल स्कोर था 159 था। और देखिए ये भी कोई मेरे ख्याल से बिलो पार स्कोर ही है, कोई इतना खास स्कोर नहीं है इस ग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि शुरुआत में तो गेंद बहुत अच्छा बल्ले पर आता है, ऐसा स्पंजी बाउंस भी नहीं मिलता, और लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाता है, और केएल राहुल ने खुद बोला था जब वो टॉस के टाइम आए थे कि इट्स अ फ्रेश पिच, हमें शुरुआत में समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, कैसे रिएक्ट करें, जब पिच पर जाएंगे वैसे खेलेंगे, तो आप फ्रेश पिच के हिसाब से खेले क्यों नहीं, जरूर विकेट जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मुकाबला स्लोअर होता गया, और साथ में जब सेकंड इनिंग्स में जो है लखनऊ सुपर जायंट बॉलिंग कर रही थी तो रवि बिश्नोई को स्टार्ट दिलवाया 15 ओवर में, क्योंकि युद्धवीर सिंह चरक गेंदबाजी कर रहे थे, बट ये स्ट्रेटजी समझ नहीं आई ऋतिक, शायद बहुत लेट हो गए थे, बट फिर भी मैच फंसवा दिया है मैच। देखिए 2 विकेट ले ली, 2 विकेट ले लिए और मैच जो है ऑलमोस्ट आखिरी बॉल तक गया है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। और ये हम देख रहे हैं ऋतिक कि लखनऊ में एकाना में जो पिच है वो स्लो पिच ही है, बहुत और है, स्कोर बहुत कम, गेंद बहुत रुक कर आ रहा है। आप देखिए अगर आप मार्क वुड की गेंदबाजी, खैर उन्होंने 4 ओवर 35 दिए और 2 विकेटें मिली, पर लेकिन वो गेंद तेज कराने की सोच रहे थे शुरुआत में, नहीं गेंद से आप जब गेंद थोड़ा सेमी न्यू था तो बहुत तेज हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पढ़ के उसके बाद धस के गेंद आ रहा था जी, इसका मतलब रुक के आ रहा था। और वही बात है कि जो 2 छक्के लगाए हैं शाहरुख खान ने, उन्होंने बहुत वेट करके लगाए और लेट खेल के लगाए, तो इससे साफ पता लगता है कि आपको क्या रवि बिश्नोई को पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। देखिए 2 वजह हैं, एक वजह यह भी है कि कृणाल पांडे और कृष्णप्पा गौतम दोनों ने रन रोक के रखे थे और दोनों ने कुछ बीच में एक आध विकेटें चटकाई थी, इस वजह से रवि बिश्नोई को नहीं लाया, रवि बिश्नोई को एंड के लिए रखा हुआ था ताकि मुकाबला और स्लो होता जाएगा, विकेट और स्लो होता जाएगा और शायद वहां पर बल्लेबाजों को फंसा लेंगे। बिल्कुल वही बात है, देखिए स्ट्रेटेजी में भी कहीं ना कहीं हुई, बट फिर भी लखनऊ मैच लेकर गई थी आखिरी ओवर तक, और अगर शाहरुख खान वहां पर कहीं आउट हो जाते तो यह मैच लखनऊ के पाले में जाता। और पंजाब किंग्स ने देखिए शिखर धवन को मिस किया, भानुका राजपक्षे को मिस किया, बाकी बल्लेबाजों ने रन बनाए नहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से भी वही रहा, केएल राहुल का अच्छा खासा प्रदर्शन रहा, बट उसके बाद जो है
बाकी कुछ बल्लेबाजों से उतना ज्यादा मिला नहीं। निकलस पूरन गोल्डन डक पर आउट हुए और बाकी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट मिला नहीं जिसके चलते स्कोर बहुत कम बना। बिल्कुल, बट शायद लखनऊ खुश थी कि यार हमारे पास तीन स्पिनर है, वो भी तीन वेरायटी, कृणाल पांड्या, उसके बाद रवि बिश्नोई, कृष्णप्पा गौतम, तीनों अलग अलग वेरायटी के स्पिनर्स। बट शायद रवि बिश्नोई को लाना लेट हो गया, उसके बावजूद दो विकेट निकाले आखिरी ओवर में, मैच फंस गया था, मैच फंसवा दिया था बिल्कुल। ये तो पंजाब किंग्स कहेगी कि थैंक्स टू शाहरुख खान अगेन। आप देखिए पंजाब किंग्स वैसे भी थैंक्स टू शाहरुख खान कहती थी शुरुआत में, क्योंकि देखिए पंजाब किंग्स की ओनर कौन है, रिति जिंटा, और उनके बहुत जिगरी दोस्त है शाहरुख खान, वैसे भी थैंक यू कहते थे, किंग ऑफ रोमांस, और यहाँ पर इन्होंने जो यहाँ पर किंग ऑफ हाईएस्ट स्ट्राइक रेट शाहरुख खान, उन्होंने भी यहाँ पर जो है अपनी टीम को घर लेकर गए जीत के साथ। पर लेकिन आप एक चीज देखिए लखनऊ सुपर जायंट्स की, देखिए मिडिल ओवर्स की बल्लेबाजी अभी भी डेंजर में है। क्या कर रहे हैं मिडिल ओवर्स में केएल राहुल, और देखिए पावर प्ले में ठीक है थोड़े बहुत रन बने, काइल मेयर्स आउट हुए, केएल राहुल की बैटिंग और धीमी, इतना रन बॉल कुछ लगा ही नहीं रहे हैं। कुछ इनके बहुत अच्छे शॉट्स थे, केएल राहुल ने आज कैच भी पकड़ा, डाइविंग कैच, वो सब ठीक था, पर लेकिन 56 गेंदों पे 74 रन, देखिए अभी भी दर्द होता है ये सुनकर, दर्द होता है भाई, क्योंकि कल हैरी ब्रूक ने 55 गेंदों में 100 मार दिए थे भाई, और ये 56 गेंदों में 74 मार के गए, तो देखिए बहुत धीमी बल्लेबाजी, बहुत धीमी बल्लेबाजी थी। और चाहे उन्होंने 50 लगा दी हो, अगर ये वर्ल्ड कप में स्कोर आया होता और टीम इंडिया 159 बनाती होती, तो देखिए बहुत कोसे जाते आप, बहुत कोसे जाते, सही बात है भाई। कब तक आकर, वही बात है स्ट्राइक रेट की बात हमेशा आती है, केएल राहुल के साथ तो ज्यादातर आती ही रहती है। मेरे ख्याल 18वें 1900 ओवर में आउट हुए हैं, और तब तक देखिए स्कोर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था टीम का स्कोर नहीं। और अगर मान लीजिए चलिए ठीक है, अगर स्लो खेले हैं तो स्लो खेल कर अगर टीम को मैच जिताते तो वो एक बात मानी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सिचुएशन के हिसाब से। बट अगर आप सेट होने के बावजूद अगर आप आउट हो जाएं और स्कोर बड़ा ना बना पाए तो फिर सवाल उठने जाहिर सी। पर ये देखिए ना आज कोई बल्लेबाज भी नहीं चला, देखिए एक केएल राहुल को यहाँ पर स्लो बैटिंग तो वो सब तो कर, पर सिचुएशन थी थोड़ा बहुत हम उनके फेवर में इस बात के लिए जाएंगे क्योंकि और बल्लेबाज नहीं चले जी। काइल मेयर्स 23/29 आउट, दीपक हुड्डा 2 रन बना पाए, कृणाल पांड्या ने कुछ थोड़ी देर तक साथ दिया, 17 गेंदों तक 18 रन उन्होंने बनाए, पूरन तो आज पहली गेंद पर गए, निकोलो मार्कस स्टोइनिस जो थे वो 15 रन बना पाए, आयुष बडोनी, कृष्णप्पा गौतम, ये कोई भी नहीं चला। पर ये है कि उनको जो है जहां जहां पर एक्सेलरेट करना था और जहां जहां पर तेज पारी खेलनी थी, मान लीजिए आप अपना स्ट्राइक रेट और साथ में आप खेल रहा हूं बिल्कुल, आप बता भाई, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। सीएसके वाले बेन स्टोक्स और दीपक चहर के ऊपर 30 करोड़ बर्बाद किए हैं यार, अब इंजरी हो गई तो क्या ही कर सकते, बट खैर बेन स्टोक्स पे तो मुझे लगता है बर्बाद हो गए, दीपक चहर का इंजरी इशू नहीं सॉल्व हो रहा है तो देखिए कभी नहीं हो रहा, वो तो बहुत टाइम हो गया, हैमस्ट्रिंग पकड़ लेते हैं वो थोड़े ओवर्स डालने के बाद, वही क्या करें उनका, दिल्ली को वार्नर खा गया, नहीं भाई आज तो वार्नर नहीं खाया, आज सब बल्लेबाजों ने अपनी टीम को हराया, पूरी टीम जिम्मेदार जी जी भाई। अच्छा पापा ने मैच लगाया, हाँ भाई ब्रेकिंग न्यूज हमको भी पता चली है आयुष भाई, प्रदीप भाई शिखर ए चोटिल पल टीम के लिए ना खेला बेफिकर से, शिखर अच्छा हुए अच्छा चोटिल पल टीम के लिए ना खेले बेफिकर से। देखिए राइमिंग तो आपकी बहुत बढ़िया है पर आप थोड़ा सा क्लैरिटी लाए तो हमें ज्यादा समझ आएगा, और अब देखिए कैसे मारेगा बॉल रहे तब तो भाई, अच्छा वो केएल राहुल पे बोल रहे हैं अब्दुल्ला भाई कि बॉल बचेंगी तब मारेंगे ना, अरे वो बैटिंग इतनी लंबी कर गए भाई, कप्तान उनकी कप्तानी पारी भी उनके हिसाब से ठीक है, सब कुछ ठीक है कि कोई बल्लेबाज साथ नहीं दे रहा एंड तक, वो खींच के गए मुकाबला, वो सब ठीक है, लेकिन जब जब आपको टीम का रिस्क लेने हैं थोड़ी सी, जब आपको रन बनाने हैं उस फेज में जैसे मिडिल ओवर्स, और आप हर चौथी बॉल पर, हर तीसरी बॉल, हर चौथी बॉल पर आप रिस्क तब लेंगे, आपके एक तो विकेट लगातार गिरने से मोमेंटम टूटा उसके तो आप डॉट बॉल छोड़ दीजिए, उसके अलावा आपने आपके डिफेंसिव मूवमेंट्स, आपके डिफेंसिव डिफेंस इतना ज्यादा हो गया था कि कहीं ना कहीं प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा, फिर आप जब एंड में आउट होंगे तो फिर आप ही कोसे जाएंगे और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल अच्छा, खुशी अरोरा पूछ रही है वन वर्ड फॉर केएल, देखिए कैप्टेंसी नॉक तो थी, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि सब कोई बल्लेबाज साथ नहीं दे रहा था, वन वर्ड कहना यहाँ पर कुछ जैसे दिव्यांशु ने बताया स्लो, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, देखिए स्लो तो नहीं कहना चाहूंगा पर मैं यहाँ पे कहूंगा कि स्टेडी मैं कहना चाहूंगा, देखिए दे दिया उन्होंने जवाब, देखिए दे दिया है क्योंकि देखिए हम उनकी एबिलिटी पर भरोसा करते हैं, वो किस तरीके के क्रिकेटर है और बहुत रन बनाते हैं वो, बहुत शॉट्स अच्छे अच्छे खेलते हैं, बहुत बड़े स्ट्राइकर से भी खेल सकते हैं वो, पर
आज का मुकाबला देखो और पिछले के बाकी मुकाबले देखे हम, तो देखिए उन्होंने काफी निराश किया स्ट्राइक रेट से भी और टीम के लिए जो एफर्ट देना चाहिए उससे उसके हिसाब से भी। बिल्कुल भाई, बॉल रहेगा तब तो मारेगा, पूरा बॉल तो केएल राहुल खाया है। देखिए वही बात करी हमने, दो पक्ष रखे। हाँ। एक तो उनके लिए पॉजिटिव साइड के बाकी बल्लेबाज आउट हो गए, सिचुएशन के हिसाब से कप्तानी पारी ये वो जो है स्ट्राइक रेट मेंटेन करना ये सब ठीक है, पर वही बात है जहां जहां पर जरूरत थी वहां पर केएल राहुल नहीं चले। बिल्कुल आयुष भाई बोल रहे हैं राहुल इज अ बेस्ट कैप्टन बिकॉज अपने बेस्ट स्पिनर को 15 ओवर में लाया, इतना बड़ा रिस्क बड़े कैप्टन ने लिया। देखिए इसकी एक वजह ये हो सकती है, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात से हम बहुत इत्तेफाक रखते हैं, पर इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि देखिए कृष्णप्पा गौतम और कृणाल पांड्या इन दोनों ने रनों पर अंकुश लगा के रखा था, दोनों ने एक एक विकेट लिया और साथ में मार्क वुड भी बीच में चलाते गए थे, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा इतना स्लो विकेट था। देखिए अगर आप सिकंदर रजाक जब आए थे क्रीज पर आप तब बिश्नोई को लेकर आते हैं और उनका विकेट ले लेते स्लो विकेट पर, वो खड़ी कर देते आसमान में उनकी इतनी स्लो गेंद से, तो आप ना सेट होने देते ना वो 50 बनाते, शाहरुख खान आते तो शाहरुख खान के आगे आपके पास और ऑप्शन हो जाते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केएल राहुल से थोड़ा सा उन्होंने किया कि एक सोच नहीं रखी कि सिकंदर राजा को पहले आउट करते। कप्तानी में देखिए ये चूक हो गई जो खामियाजा शाहरुख खान के रूप में भुगतना पड़ा। अब्दुल्ला भाई बोले डीसी से खेलो और दो पॉइंट्स ले लो, ये हमारे देखिए साफ सी बात है डायलॉग है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए साफ आजकल तो यही आज मंत्र है, स्ट्रेटेजी है ये। बिल्कुल दिल्ली से खेलो, चाहे अपने घर पे खेलो चाहे उनके घर पे खेलो, जी 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 जीतना आप लोगों को, मतलब दूसरी टीम है उनको जीतना है। बट खैर आज के अगर मैच की बात करें, शिखर धवन के बिना, शिखर धवन को निकल था चोटिल थे नहीं खेले, भानुका राजपक्षे को ड्रॉप किया गया क्योंकि पिछले मैच में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, और पंजाब किंग्स ने सिकंदर रजा को वापस लाए और सिकंदर रजा ने ये दिखाया कि भाई उनकी रजा अगर है तो वो अच्छा खेल गए, और देखिए आज अवार्ड भी जीत रहे हैं, शायद मैन ऑफ द मैच, गेम चेंजर ऑफ द मैच मिला, गेम चेंजर ऑफ द मैच यार। तो भानुका राजपक्षे की जगह तो भाई रजा ने जो है ले ली है, अब ये समझिए पिछले मतलब आने के दो तीन मैचेस में। शिखर धवन होपफुली जो है फिट हो जाए अगले मैच में, लियम लिविंगस्टन आ जाएंगे तो और ताकत मिलेगी, और ताकत आ जाएगी, और ताकत बिल्कुल। बट वही बात है कि फिर प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा क्योंकि रबाडा भी खेलेंगे, देखिए चार फॉरेन खिलाने आपको, चार फॉरेन खिलाने आपको, रबाडा खिलाना है आपको, लियम लिविंगस्टन खिलाना है, सिकंदर रजा खिलाना है, और एक और प्लेयर मैं भूल रहा हूँ पंजाब, सैम करन तो खेलेंगे, सैम करन रबाडा खेलेंगे, सिकंदर रजा मैन ऑफ द मैच है आज के मान लीजिए, और तीन प्लेयर आपके ही हो गए, तो उसके बाद लियम लिविंगस्टन भी आएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिविंगस्टन आएंगे तो कौन बाहर जाएगा, मुझे लगता है कि रजा को जाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि लिविंगस्टन स्पिन कर लेते हैं, ऑफ स्पिन करते हैं भाई, लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों करते हैं, कैरम भी बीच बीच में डाल देते हैं, और देखिए रजा से तो नो डाउट बहुत बढ़िया है लैम लिविंगस्टन, आप मुझे लगता है कि रजा बाहर बैठेंगे, या फिर लिविंगस्टन को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर लें, पहले अगर बॉलिंग कर रहे हो सकता है सिकंदर रजा से बॉलिंग करवा ले, हो सकता है भाई, यू नेवर नो। शिखर धवन आएंगे तो देखते हैं कप्तानी में क्या रहेगा, बट फिलहाल तो भाई अब ये नहीं पता ना शिखर धवन कब तक बाहर रहेंगे, क्योंकि सैम करन ने बताया था उनको इंजरी हो गई निकल है, अब पता नहीं कि कब तक रहेंगे वो। हाँ उन्होंने ये बोला कि भाई पूरी चीजें उनको नहीं पता है, तो वही बात है। अच्छा मैथ्यू शॉर्ट भी तो है, मैथ्यू शॉर्ट को बाहर, अरे मैथ्यू शॉर्ट को कैसे बाहर करोगे यार, वो तो रन बना रहे यार पिछले मैच में, मुझे लग रहा है कि नहीं लिविंगस्टोन, ये देखो मैथ्यू शॉर्ट बाहर होंगे तो लिविंगस्टोन आएंगे, सिकंदर रजा मेरे ख्याल से नहीं होंगे फिर बाहर। हाँ सिकंदर रजा रखो फिर नीचे लोअर मिडल ऑर्डर, हाँ क्योंकि उनको यार उन्होंने अच्छी पारी खेली, मैथ्यू शॉर्ट ने ठीक है अच्छे खेल रहे हैं, बट किसी ना किसी को तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जब भानुका राजपक्षे को ड्रॉप करके लाया जा सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। डीसी कब जीतेगा मालूम है, 14वां मैच जीतेगा भाई, ओ भाई बहुत देर हो जाएगी, 14वां मैच जीते जीते तो अब 5 हार हो गई है उनकी, अब अगले उनको उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अगले सारे मुकाबले जीतने पड़ेंगे और सारे मुकाबले जीतने के बाद भी बाकी टीमों पर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि आपने शुरुआत के आप एक मैच या दो मैच या मैक्सिमम 3 से 4 मैच आप अफोर्ड कर सकते हैं, 5 मैच नहीं अफोर्ड कर सकते। सही बात, पिछले आपको साल याद होगा मुंबई चेन्नई की क्या हालत हुई थी, और मुंबई ने शायद सबसे ज्यादा लगातार हार का रिकॉर्ड बनाया था 11। बिल्कुल बिल्कुल, तो 11 हार, दिल्ली डेयरडेविल्स जब हुआ करती थी वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में तब का शायद रिकॉर्ड तोड़ा था मुंबई ने, सबसे ज्यादा लगातार हार उसके बाद खाता खोला था, और आखिर में दिल्ली को लेके डूबी थी मुंबई क्योंकि क्वालिफाई नहीं करने दिया था। तो आज जो है सैम करन देखिए आज कप्तान है, और अब पंजाब किंग्स जो है वो 5वें नंबर पर आ गई है पॉइंट्स टेबल में, तो ये अच्छी बात है कि अभी बनी हुई है, नहीं मौजूदा पोजीशन 4 है, 5 खेले 3 जीते 2 हारे, 4 चलिए दिल्ली कैपिटल से तो बेहतर ही हालत है, बेहतर है भाई बेहतर है, बनी हुई है प्लेऑफ्स की रेस में अभी भी, पर इतना मैंने देखा है कि आज सैम करन ना
आज इतने कारगर साबित नहीं हुए हैं, बल्ले से तो नहीं हुए, गेंद से भी उन्होंने 3 विकेट तो जरूर ली सैम करन ने, लेकिन जो है उतने कारगर नहीं साबित हुए जिसके लिए उनको रखा गया था। बिल्कुल, सैम करन का भी यार मतलब जितने पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं मुझे नहीं लग रहा कि वैसा कोई रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न मिला भाई आपको हैरी ब्रूक से, कल शतक मारा, वो भी एक मैच में रिटर्न मिला, ठीक है, उन्होंने भरपाई थोड़ी बहुत करी है। अगर अब यहाँ से हैरी ब्रूक पूरे सीजन तक ऐसा करें तो मुझे लगता है कि फायदा है, फायदा भाई, फिर तो एसआरएच जो है बहुत आगे जा सकती है, अब तो एसआरएच फॉर्म में आ गई है। पर कब तक देखिए, हैरी ब्रूक ही मारते रहेंगे, उसके अलावा तो किसी ने नहीं मारा। एडन माकरम ने 50 लगाए थे कुछ, मेरे ख्याल से 6 या 7 गेंदों पे एंड्रे क्लासन ने 19 रन बनाए थे, ऐसा कुछ, और बस वही था। और इसके अलावा तो बाकी सब ने मेरे ख्याल से 9-9 रन तो मेरे ख्याल मयंक अग्रवाल और त्रिपाठी ने बनाए थे। मार्करम और हैरी ब्रूक चले थे और आखिर में थोड़े बहुत क्लासन चले थे जी। खुशी बोल रही है केएल राहुल शुड सैक्रिफाइस हिज प्लेस इन द टीम। नहीं देखिए, वो सैक्रिफाइस करेंगे, मुझे नहीं लगता कैसे कैप्टन होते वो करेंगे, और गौतम गंभीर भी नहीं ये चीज को अलाउ करेंगे। हाँ। पर वो करेंगे तो देखिए क्विंटन डिकॉक आएंगे, अब ओपनिंग आप दो लेफ्ट हैंड